उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राशन कार्ड बनवाने और विधवा पेंशन दिलवाने के नाम पर रिश्वत के तौर पर ग्राम प्रधान सहित 13 लोगों ने महिला से शारीरिक संबंध बनाए और सभी को एड्स हो गया। इस खबर ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया था। अब ऐसा ही एक चिंताजनक मामला राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव में सामने आया है। यहां के बांगरमऊ तहसील के कुछ गांवों में साइकिल पर घूमकर एक डॉक्टर लोगों का इलाज करता था। एक ही इंजेक्शन का कथित तौर पर बार बार इस्तेमाल करने से करीब 20 लोग HIV संक्रमित हो गए हैं। HIV पॉजिटिव खबर सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की टीम भेजकर मरीजों का निरीक्षण कराया गया है। नवंबर 2017 में बांगरमऊ तहसील के कुछ गांवों में एक NGO ने हेल्थ कैंप लगाया था। इसमें जांच के दौरान कुछ लोगों में HIV के लक्षण मिले। इन्हें आगे की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। वहां कई लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि क्षेत्र में लोगों का इलाज करने वाला एक झोला छाप एक इंजेक्शन का बार बार इस्तेमाल करता था। समझा जाता है कि झोला छाप ने वो इंजेक्शन किसी HIV पीड़ित को लगाया होगा। इससे उसकी सुई संक्रमित हो गई होगी, फिर वही इंजेक्शन दूसरे मरीजों को लगाने से वे भी संक्रमित हो गए। देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।